धीरीमुरम और भावे के जंगलों में नक्सलियों ने फेंके पर्चे, खिलाड़ियों को नहीं मिल रही पर्याप्त सुविधा, कैसे निखरेगी प्रतिभा, कीचड़ से सराबोर खेल मैदान। और बालाघाट आए कांग्रेस प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी ने ली ब्लॉक कांग्रेस की बैठक, कहा सरकार जनता की मदद करने में नहीं प्रचार प्रसार में आगे। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे धीरी मुरम और भावे के जंगलों में माओवादी नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं, जिनमें पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों का जिक्र किया गया है। उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने का पर्चे में उल्लेख है। इसमें 2019 से लेकर अब तक मुठभेड़ में मारे गए सभी नक्सलियों का जिक्र किया गया है, जिसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने खुद की है। 19 अगस्त को मुख्यमंत्री के बालाघाट आगमन को लेकर हाई सुरक्षा व्यवस्था की बात भी की है। एसपी ने यह भी बताया कि भावे का क्षेत्र हार्डकोर नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। पर्चा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी के द्वारा प्रेषित किया गया है। सरकार खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत करती है। विभिन्न खेल विधाओं को आगे बढ़ाने शासन द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिले में जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते यहां के खिलाड़ियों को खेल के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिले में हॉकी खिलाड़ियों को काफी संघर्षों के बाद टर्फ मैदान की सौगात मिलने जा रही है। जिला मुख्यालय के नगरपालिका हॉकी ग्राउंड में टर्फ मैदान के लिए निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जो काफी धीमी गति से चल रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय में तरण ताल को काफी वर्ष पूर्व भूमि पूजन हुआ, लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं हुआ, जिससे आज भी तैराकी में रुचि रखने वाले बच्चे बैनगंगा नदी के बजरंग घाट में तैराकी का प्रशिक्षण लेते हैं। बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय बालाघाट में जिले के समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक ली। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की मदद करने में आगे नहीं आती और प्रचार प्रसार करने में आगे रहती है। लाखों करोड़ों रूपये का बैनर पोस्टर लगाकर फिजूल खर्च किया जा रहा है, लेकिन पंचायतों और नगर पालिका को विकास कार्य के लिए फंड नहीं दिया जा रहा, जिससे पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम की बुरी स्थिति है। इन संस्थाओं को अपने कर्मचारियों को वेतन भारी पड़ रहा है। आज पंचायत जो है बहुत बुरी स्थिति में, नगर पालिका बहुत बुरी स्थिति में, नगर निगम बहुत बुरी स्थिति में। आज इनके पास ये स्थिति है कि इनके आय के साधन कम होने के कारण इनको अपने कर्मचारियों का वेतन देना भारी पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उनसे कहा जा रहा है कि आप बिजली का बिल बढ़ाइए। ये कहाँ से लाएँ? इनके पास कोई फंड हो तब तो लाएँ। ये सिर्फ किसी भी प्रकार से जनता को परेशान करने के अलावा प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ कि जो पंचायतों की बिजली काटी जा रही है, स्ट्रीट लाइट काटा जा रहा है, नल जल योजना की बिजली काटी जा रही है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसके लिए फंड जो है प्रदेश सरकार के, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ बहुत सारी घोषणाएँ करके जाए, परंतु इनकी घोषणाओं का क्या असर होता है, ये आप सबने देखा। प्रदेश में चौथी बार बनी भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री बने सीएम शिवराज सिंह चौहान का कल बालाघाट पहली बार आगमन हो रहा है। जिले में सीएम के आगमन को लेकर जहां भाजपा उत्साहित है, वहीं पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने जिले में पुलिस मुठभेड़ और पकड़ाए गए नक्सलियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए मामले को लेकर सीएम के घेराव और किसान कांग्रेस ने सीएम को फसल के लिए खाद, यूरिया, डीएपी की सिंचाई के लिए बिजली मुद्दे को लेकर जूझ रहे किसानों की समस्या को लेकर काले झंडे दिखाए जाने का ऐलान किया है, जिससे सीएम के आगमन को लेकर बड़ी हलचल नजर आ रही है। ऑक्सीजन प्लांट लगने का मामला था, कब से बोल रहे थे ऑक्सीजन प्लांट लगेगा बालाघाट में, लांजी में और कितनी जगह बताया था प्लांट लगा भी तक है। अभी तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं शिवराज सिंह। अरे डॉक्टर को पहले भर्ती कर दो, जो नौजवान लोग नौकरी के लिए रोजगार के लिए आ रहा हूँ भोपाल में, अतिथि शिक्षक और दूसरे रोजगार लोग, उनको लाठियों से पीटा गया, उनको मारा गया, जानवरों के उनको पीटा गया, घसीट घसीट के, उनमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, कितनी मार मारी गई भोपाल में। अभी ये सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, ये लोकतंत्र का खलक घोट रही है, जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है, अत्याचारी सरकार है। और ऐसे अधिकारों के प्रमोशन कर रहे हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बालाघाट में घुसने देंगे शिवराज सिंह चौहान को। विसंगतियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाला वन विभाग अब श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने में भी लेट लतीफी कर रहा है।
जिसका खामियाजा उन मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ वन विभाग के कर्मचारियों के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र में मजदूरी कार्य किया, लेकिन अब उन्हें भुगतान के लिए तरसना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार उत्तर वन मंडल बालाघाट सामान्य के वन परिक्षेत्र पूर्व बैहर के खुरमुंडी बीट में अक्टूबर 2020 में ग्राम सीता डोंगरी के करीब 70 श्रमिकों ने लेंटाना घास काटने का काम किया था, जिस पर सरकार से 33,000 रुपए की स्वीकृति हुई थी, लेकिन तत्कालीन वन रक्षक सतीश मरकाम ने इन लोगों से इतना काम करवाया कि बजट 1,00,000 से ऊपर पहुंच गया, लेकिन अब तक उन्हें 10 माह की मजदूरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मजदूर अपनी मजदूरी की राशि के लिए कई बार विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा जहां व्यापक तैयारियां की गई हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के चौक चौराहों और विद्युत पोलों पर अवैध तरीके से बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिससे शहर की शोभा पर एक बदनुमा दाग लगने के समान दिखाई दे रहा है। यही नहीं, देश के संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा स्थल आम्बेडकर चौक के आसपास भी मुख्यमंत्री के आगमन और राशि वितरण से संबंधित बैनर पोस्टरों को लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में 158,56,11,000 रुपए की लागत के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन कार्यों में रजेगांव किरनापुर लांजी मार्ग पर देवनदी सोन नदी सिंगोला नाला और कारंजा नाला पर पुल निर्माण, कटंगी विकासखंड के अंतर्गत बड़वानी देवनारा मार्ग पर बावनथड़ी नदी पर पुल निर्माण के भूमि पूजन और पुनी बटरमारा मार्ग में बैनगंगा नदी पर निर्मित पुल का लोकार्पण भी शामिल है। इसके साथ ही भंडेरी पाथरी गंजेसर्रा अडोरी बिरसा साखा सुखतारा मंडई भुरसा डोंगरी मनेरी चिखली चिचोली लोहारा के केशलेवाड़ा परसवाड़ा से कोरेणा दोनाटोला से कुमादेही बकेरा मार्ग कोथुनरा से कन्हड़गांव मार्ग का भूमि पूजन, नेवारा के हाई भवन अमोली के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन देवलगांव के आयुष औषधालय का लोकार्पण भी शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 अगस्त को बालाघाट आ रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान इस दौरान रेंजर्स कॉलेज में आयोजित पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों से संवाद के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद पुलिस लाइन शहीद स्मारक में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और पुलिस लाइन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नक्सल उन्मूलन कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस के जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन प्रदान करेंगे और जवानों को सम्मानित करेंगे, जिसके बाद वे बालाघाट जिले में पिछले दिनों हुई इन्वेस्टर्स मीट में आए निवेश प्रस्तावों को लेकर उद्यमियों से चर्चा करेंगे। गरीब जनता का एकमात्र सस्ता और सुगम साधन ट्रेन का आवागमन 18 माह से बंद है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब देश की स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। सभी स्टेशनों से ट्रेन का आवागमन शुरू हो रहा है। इसके बाद भी जिले की जनता की मांग को रेल प्रशासन और जनप्रतिनिधि अनदेखा कर रहे हैं। ट्रेन को शुरू करवाने में कोई भी रुचि लेता दिखाई नहीं दे रहा। डीआरएम रेलवे मनिंदर उप्पल ने आश्वासन दिया था कि अगस्त माह के अंत तक बालाघाट जिले को रेलवे की सौगात मिलेगी, लेकिन अगस्त माह गुजर जाने के बाद भी दूर दूर तक शुरू होने की संभावना नजर नहीं आती। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगरपालिका परिषद मलाजखंड के वार्ड 8 में अनुसुईया लेल्हारे के मकान का गृह प्रवेश कराया गया। इस अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी लक्ष्मण सारस, प्रदेश भाजपा सदस्य संजय जायसवाल, पार्षद प्रतिनिधि राजू गुप्ता, सहायक मंत्री मुकेश सोलंकी, आरआई मुकेश कटारे सहित नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। पुत्र की लंबी उम्र की कामना को लेकर संतान प्राप्त महिलाओं द्वारा शनिवार को हलछठ माता की आस्थापूर्वक पूजा अर्चना की गई। इस दौरान महिलाओं ने व्रत रख सुबह स्नान ध्यान कर एक जगह एकजुट होकर पूजा पाठ किया। पहले कलश की पूजा अर्चना कर गणेश और माता गौरा की पूजा की, इसके बाद हलछठ माता की पूजा कर कथा पढ़कर सुनाई, आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। आज षष्ठी का व्रत है। यह व्रत भादो मास की षष्ठी के दिन किया जाता है। इस दिन ये जारी रख के भगवान गणेश माता पार्वती शंकर भगवान पार्वती और कार्तिक स्वामी का पूजन किया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।